लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हमारी ऑनलाइन क्लास में आज का टॉपिक है मैकियावेली का अध्ययन। आज के हमारे ऑनलाइन क्लास के टॉपिक का विषय है मैकियावेली का अध्ययन। और मैकियावेली में हम लोग मूलतः दो बातों पर अपनी चर्चा करेंगे, एक है मानव का स्वभाव और दूसरा है मैकियावेली के द्वारा बतलाया गया सरकार के संबंध में अपना विचार। मैकियावेली आधुनिक राजनीति विज्ञान का यह आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता है। यह आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता है। इसको पुनर्जागरण क्रांति का प्रतिनिधि विचारक भी कहते हैं। पुनर्जागरण क्रांति का यह प्रतिनिधि विचारक है। कहा जाता है कि धर्म सुधार आंदोलन के द्वारा जो कार्य धर्म के क्षेत्र में किया गया वही कार्य मैकियावेली ने राजनीति के क्षेत्र में किया है। यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, मैकियावेली से पूर्व मध्यकालीन राजनीति विज्ञान का प्रचलन था और मध्यकालीन राजनीति विज्ञान में धर्म का प्रभाव था। धर्म के इस प्रभाव के कारण मध्यकाल के राजनीतिक चिंतन को अंधेरा युग कहा गया। इस मध्यकालीन राजनीति विज्ञान की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप आधुनिक राजनीति विज्ञान का जन्म होता है। और इस आधुनिक राजनीति विज्ञान के जन्म में मुख्य बात यह हुई कि राजनीति को धर्म से पृथक करने की बात। वास्तव में अगर पूर्व पीठिका के रूप में आधुनिक काल में देखा जाए तो मार्सिलियो के चिंतन में दिखता है, परंतु इसका स्पष्ट विभाजन करने का श्रेय मैकियावेली को है। इसीलिए मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता कहा गया। मध्यकालीन राजनीति विज्ञान के आधार पर मैकियावेली ने कहा कि इटली के पराभव और पतन का मूल कारण चर्च है। इसका कारण क्या है? चर्च है। मैकियावेली का संबंध चूंकि इटली से है और इसका मूल उद्देश्य भी क्या था? इसका मूल उद्देश्य था इटली को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करना। इसलिए अपने अध्ययन में इसने पाया था कि इटली के पतन का कारण राष्ट्रवादी भावना का खत्म होना और इस राष्ट्रवादी भावना के खत्म होने का कारण था चर्च एवं पोप का प्रभाव
इसलिए चर्च और पोप को मैकियावेली के द्वारा उत्तरदायी कारण माना गया। मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन पर तत्कालीन इटली की परिस्थिति का स्पष्ट प्रभाव दिखलाई पड़ता है। वैसे राजनीति विज्ञान के प्रारंभिक अध्ययन के दौरान हम लोगों ने इस बात पर चर्चा किया था कि कोई भी दार्शनिक क्यों न हो, लेकिन उसके राजनीतिक चिंतन के ऊपर उसके देशकाल परिस्थिति का स्पष्ट प्रभाव दिखलाई पड़ता है। चाहे प्लेटो का राजनीतिक चिंतन हो, अरस्तु का हो, या इसके बाद का मध्यकालीन राजनीतिक विचारक संत अगस्टाइन, टॉमस एक्विनास, मार्सिलियो हो, या मैकियावेली के बाद हॉब्सला क्रूसो का राजनीतिक चिंतन हो, जेसमिल बेंथम और कार्ल मार्क्स के विचार हों, सब अपने देशकाल परिस्थितियों से प्रभावित रहे। परंतु अगर इन सब में भी हम लोग इस बात का अध्ययन करें कि सर्वाधिक प्रभाव अपने देशकाल परिस्थिति का किसके ऊपर पड़ा, तो वह चिंतक मैकियावेली होगा। इसीलिए कहा जाता है और टिप्पणीकारों ने कहा है कि मैकियावेली का चिंतन इटली की परिस्थिति से संकीर्ण हो गया और प्रोफेसर डनिंग के द्वारा कहा गया है कि मैकियावेली अपने युग का शिशु है। यह बात इन्होंने कहा क्योंकि मैकियावेली के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन का यही आधार रहा। आपने इसी आधार को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए मैकियावेली के द्वारा राजनीतिक चिंतन के प्रतिपादन में यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया और अध्ययन के दौरान उसने अनुभूति मूलक ऐतिहासिक पर्यवेक्षणात्मक एवं प्रयोगात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया और यह सभी अध्ययन प्रणालियाँ अरस्तु के द्वारा पहले ही प्रयुक्त में लाई गई थी। इसलिए माना जाता है कि मैकियावेली के अध्ययन प्रणाली के ऊपर अरस्तु का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। यहाँ अनुभूतिमूलक ऐतिहासिक पद्धति का अर्थ है अपने अनुभव के आधार पर आप पूर्व अनुभव के आधार पर किसी निष्कर्ष को निकाल लेना। मैकियावेली के द्वारा इटली की छिन्न भिन्न स्थिति को देखकर यह निष्कर्ष निकाला गया कि जब किसी भी राज्य में राष्ट्रवाद की भावना तिरोहित हो जाती है और वहाँ के लोग राष्ट्र के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं और राज्य कई खंडों में विभाजित हो जाता है, तो विदेशी शक्तियाँ उसके ऊपर आक्रमण कर देती हैं और वह राष्ट्र पराधीन हो जाता है। यह अनुभव देखा, इसलिए राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए राष्ट्रवादी भावना को जागृत करना उसने आवश्यक समझा। इसलिए इसको समझाने के लिए अनुभूतिमूलक ऐतिहासिक पर्यवेक्षणात्मक और प्रयोगात्मक पद्धति का इनके द्वारा प्रयोग में लाया गया। देखिए यहाँ पर हम लोग मैकियावेली के संदर्भ में बातें करेंगे, मैकियावेली का विस्तृत अध्ययन करेंगे, बट यहाँ पर एक कंसेप्ट को बतलाने के उद्देश्य से हम लोग संक्षिप्त में मैकियावेली की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए एक बात आपको और समझ लेना है कि भारत में कौटिल्य को
भारत का मैकियावेली कहा जाता है। भारत का मैकियावेली कहा जाता है और मैकियावेली के द्वारा तीन महत्वपूर्ण पुस्तकों का लेखन किया, जिसमें द प्रिंस डिस्कोर्सेज एवं आर्ट ऑफ वार मुख्य हैं। इन्हीं पुस्तकों के अंतर्गत इसने बतलाने की कोशिश की और द प्रिंस की तुलना कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र के साथ किया जाता है, जो महत्व पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में द प्रिंस का है, वही महत्व भारतीय राजनीतिक चिंतन में अर्थशास्त्र का है। जब हम लोग कौटिल्य का राजनीतिक चिंतन पढ़ेंगे, तब उसमें मैकियावेली के साथ इसका समानता और असमानता की भी चर्चा करेंगे। बट यहाँ हमारी चर्चा का विषय मैकियावेली है, इसलिए मैकियावेली के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। आपने एक बात समझ लिया है कि मैकियावेली का उद्देश्य है इटली को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करना, और ये आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता है। इसके द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रीय राज शब्द का भी प्रयोग किया गया। मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर बात करने चल रहे हैं कि इन्होंने मानव स्वभाव के विषय में हमने आपसे कहा था कि यूनान का मनुष्य स्वाभाविक रूप में एक सामाजिक प्राणी है, मध्यकाल का व्यक्ति पापी प्राणी है और आधुनिक काल का मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है। आधुनिक काल का ये जन्मदाता है, इसलिए इसने मनुष्य के स्वभाव को क्या बतला दिया कि मनुष्य स्वार्थी है, वह लालची है, वह कृतघ्न है और वह अस्वार्थी है, लालची है, कृतघ्न है। वह एक ऐसा प्राणी है जिसको विश्वासघात करने में कोई गुरेज नहीं। ऐसा मानव के स्वभाव का चित्रण किया। मानव स्वभाव के चित्रण पर मैकियावेली के ऊपर प्रभाव है। पहला इटली के परिस्थिति का जिसका उसने अनुभूत किया था, और दूसरा इसके ऊपर प्रभाव है उदारवादी विचारधारा का प्रभाव इसलिए है क्योंकि उदारवाद में पूंजी ही केंद्र में रखता है। और मैकियावेली के द्वारा भी कहा गया कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो केवल अपने स्वार्थ और हित में ही रत रहता है, परोपकार के विषय में, राष्ट्र के विषय में वह तनिक भी चिंतन नहीं करता। इसी आधार पर मैकियावेली के द्वारा यहाँ तक कह दिया गया कि एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को माफ़ कर सकता है, परंतु संपत्ति के अपहरणकर्ता को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को माफ़ कर सकता है परंतु संपत्ति के अपहरणकर्ता को माफ़ नहीं कर सकता है। व्यक्ति ऐसा स्वार्थी होता है। मैकियावेली के द्वारा इसीलिए स्त्री के तुलना धन के साथ किया गया। इसने यह भी कहा है कि संपत्ति शक्ति का स्रोत है और आधुनिक काल में
मैकियावली पहला चिंतक है, जिसको हम पहला चिंतक है जिसको हम सत्यवादी विचारक कहते हैं, जिसको हम असत्यवादी विचारक कहते हैं। मैकियावली के द्वारा मानव स्वभाव का ऐसा चित्रण किया गया। अगर हम लोग मैकियावली के आगे जब अध्ययन करेंगे और इसका व्यंगावलोकन करते हैं, तो मैकियावली के बाद ब्रिटिश चिंतक हॉब्स के द्वारा भी मानव स्वभाव का ऐसा ही चित्रण किया गया। मानव स्वभाव के इस चित्रण के बाद अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि इटली में आज सरकार का गठन कैसे किया जाए, क्योंकि मानव स्वभाव को आधार बनाकर, मानव स्वभाव को ही आधार बनाकर मैकियावली के द्वारा सरकार का वर्गीकरण किया गया। और यह सरकार का वर्गीकरण उसने राजतंत्र के रूप में, कुलीन तंत्र के रूप में और संयमित लोकतंत्र के रूप में, इसको गुणात्मक लोकतंत्र या गणतंत्र भी कहा गया कि इसके रूप में उसने किया। इसके साथ साथ इसका विकृत शासन भी बतलाया, राजतंत्र का विकृत निरंकुश तंत्र और इसका विकृत धनिक तंत्र और इसका विकृत, इसने भ्रष्ट लोकतंत्र को माना है। और यह सरकार का वर्गीकरण अरस्तु के सिद्धांत के ऊपर ही आधारित दिखलाई पड़ता है। कोई मौलिक चिंतन इनके द्वारा नहीं दिया गया, बल्कि मैकियावली का मूल उद्देश्य है इटली के लिए कौन सी शासन प्रणाली ज़्यादा उपयुक्त है उसकी सिफारिश करना। मैकियावली के द्वारा अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेज के अंतर्गत डिस्कोर्सेज नामक पुस्तक में मैकियावली ने कहा कि गणतंत्र सर्वोत्तम शासन प्रणाली है, गणतंत्र सर्वोत्तम शासन प्रणाली है, और क्योंकि इसमें ईमानदार व्यक्तियों का शासन होता है, इसमें सार्वजनिक हित और दया की भावना पाई जाती है, इसमें उत्तरदायित्व का भी गुण पाया जाता है, इसलिए गणतंत्र को मैकियावली ने उत्तम माना। परंतु उसने अपनी पुस्तक द प्रिंस के अंतर्गत निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। इसलिए हमारे एग्ज़ाम में आपको दो सवाल आता है कि मैकियावली ने किस शासन प्रणाली को सर्वोत्तम माना और किस पुस्तक में सर्वोत्तम माना। तो मैकियावली ने गणतंत्र को सर्वोत्तम माना और डिस्कोर्सेज में सर्वोत्तम माना। और उसने इटली के लिए किसका समर्थन किया, तो उसने इटली के लिए निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। और किस किताब में इस बात का उल्लेख है, द प्रिंस में। अब यहाँ सवाल उठता है कि इसने सर्वोत्तम इसको माना और समर्थन इसका किया, तो इसका समर्थन मैकियावली ने क्यों कर दिया। इसका समर्थन मैकियावली ने इसलिए किया क्योंकि तत्कालीन इटली का व्यक्ति आपतित था और उसमें राष्ट्र हित की भावना नहीं थी, वह विश्वासघाती था, तो इटली के मनुष्य के इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए शक्ति की आवश्यकता थी। इसलिए मैकियावली के द्वारा कहा गया कि निरंकुश राजतंत्र ही उपयुक्त है, इसीलिए इसने कहा था कि राजा को
साध्य की चिंता करनी चाहिए। साधन तो सदैव ही पवित्र होगा, आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार इसकी निंदा और प्रशंसा की जाती रहेगी। और इसके साथ ही उसने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर शासक के द्वारा साम दाम दंडे और भेद किसी भी नीति का अनुसरण किया जा सकता है। मैकियावेली का प्रसिद्ध कथन यह भी है कि राजा में शेर और लोमड़ी का गुण पाया जाना चाहिए। शेर का अर्थ है कि वह शक्तिशाली हो और लोमड़ी का अर्थ है कि वह चालाक हो और शत्रु के षड्यंत्र को आसानी से समझ सके। तो देखिए, यहाँ पर मैकियावेली का राजनीतिक चिंतन पूर्णतया यथार्थवादी है। मानव स्वभाव के आधार पर इसने अपने राजनीतिक चिंतन का प्रतिपादन किया। आधुनिक राजनीति विज्ञान का यह जनक है और राज शब्द का सर्वप्रथम इसके द्वारा प्रयोग किया गया। राष्ट्रीय राज्य के अवधारणा का पहली बार प्रतिपादन भी मैकियावेली के द्वारा ही किया गया। तो ये बातें हम लोगों ने आज मैकियावेली के संदर्भ में किया। हमारा ऑनलाइन बैच में एडमिशन प्रारंभ है और उस क्लास में आप प्रवेश लेने के यदि इच्छुक हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर लें। संपूर्ण राजनीति विज्ञान का उसमें अध्ययन कराया जा रहा है, आप उसको देख लें। आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप करके भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें हम एडमिशन लेवें। मैकियावेली के संदर्भ में बहुत विस्तृत अध्ययन हम लोग करेंगे। मैकियावेली का अन्य पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के साथ तुलना और भारतीय चिंतक कौटिल्य के साथ भी तुलना का हम लोग अध्ययन करेंगे। बहरहाल आज का क्लास हम लोगों का यहीं तक है और आप लगातार देखते रहिए लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला को। जय हिंद, जय भारत।